नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बैंक चार्जेस की एंट्री डालेंगे और उसको हम जीएसटी की 3B में देखेंगे कि क्या वो वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मास्टर में अकाउंट इन्फो में जाके लेजर क्रिएट करने होंगे कुछ। तो क्रिएट करेंगे सबसे पहला हमारा बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने अपना बैंक ओपन कर लिया। इसको बैंक अकाउंट्स में लेंगे और इसको एंटर एंटर करके हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे यहाँ पे। ये मैंने ऐसे ही गलत जीएसटी नंबर डाला है आपको जस्ट डेमो देने के लिए, बताने के लिए। तो इसको मैंने सेव कर लिया है और उसके बाद और अकाउंट बनाना है, अकाउंट इन्फो लेजर फिर क्रिएट, यहाँ पे बनाना है बैंक चार्जेस और यहाँ पे हमको लेना है इसको एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में और यहाँ पे हमने जीएसटी को एप्लीकेबल कर देना है। ये देखिए क्या क्या ऑप्शन, तीन ऑप्शन आता है, इसको एप्लीकेबल कर देना है, यहाँ पर वाई कर देना है और ट्रांजेक्शन टाइप क्या होता है, ये परचेज, वैसे परचेज टैक्सेबल आएगा अगर आपका बैंक आपके मतलब सेम स्टेट में है तो परचेज टैक्सेबल, अगर किसी दूसरी स्टेट में है तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आएगा। तो हमारे इस केस में ये लोकल ही है तो परचेज टैक्सेबल कर दिया। तो यहाँ पर टैक्स हमने 18% कर देना है इंटीग्रेटेड। तो इसको सर्विसेज में लेते हुए इसको एंटर करके सेव कर लेना है। तो उसके बाद दो और अकाउंट बनेंगे, अकाउंट इन्फो लेजर, मैं वो दिखा देता हूँ, ऑलरेडी क्रिएट है मेरे ऑल्टर में CGST। तो CGST लिख के ड्यूटी एंड टैक्सेस GST यहाँ पर करते हुए इसको आपने सेव कर लेना है। और दूसरा SGST है, SGST लिख के ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्ट्रेट टैक्स करते हुए इसको ऐसे इसको आपने इसको भी सेव कर लेना है। तो ये हो गया, अब हमने डालनी एंट्री। तो वी से वाउचर करेंगे, नहीं तो आप ट्रांजेक्शन में वाउचर पे एंटर कीजिए। और इसके बाद यहाँ पे पेमेंट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट है F5 और यहाँ से पेमेंट करना है। पेमेंट किया और यहाँ पे अपनी जो F2 करके डेट सेलेक्ट कर लेना है आपने, मैं यहाँ 2/7 कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपना बैंक लेना है और यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक चार्जेस और यहाँ पे 50 रुपीज़ मान लीजिए बैंक चार्जेस है और इस पर टैक्स 18% के हिसाब से लगा है। तो 50 इसका 9% हम कर रहे हैं तो 4.50 के ऊपर अगर 9% कैलकुलेशन करेंगे तो 4.5 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम CGST लिखेंगे 4.50 हो गया और यहाँ पर लिखेंगे SGST 4.50। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लेना है बैंक चार्जेस और अदर लेके इसको सेव कर लेना है। नरेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी RTGS चार्जेस या NEFT चार्जेस जो भी लगा हो तो लिख के आपने यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। तो इसके बाद हम इसको रिपोर्ट में देखते हैं वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। उसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, फिर यहाँ पे स्टेचरी रिपोर्ट्स GST 3B और यहाँ पे F2 करके अपना जुलाई वाला पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 4.50 रुपये 4.50 रुपये टोटल 9 रुपये का GST यहाँ पर शो हो चुका है। तो एंटर कीजिए आप इसको, ऑल अदर ITC में यह आ रहा है। तो इस प्रकार हमें इसका इनपुट टैक्स यहाँ पे शो हो गया। तो इसके अलावा और दूसरी रिपोर्ट में देख लेते हैं, स्टेचरी रिपोर्ट में GST इसमें GST 2 में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शो नहीं हो रहा है। तो F2 करके यहाँ पे भी हमने अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस लिख के ये 50 रुपीज़ के ऊपर 9 रुपये शो हो गए। इसको एंटर एंटर करके आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बैंक कोई बिल देता नहीं, इनवॉइस नंबर देता नहीं, इस करके यहाँ पर इनवॉइस नंबर नहीं शो हो रहा है। अगर आपको इनवॉइस नंबर मिलता है तो वो डाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।